डूइंग समथिंग, टीवी पे बिल्कुल बट लड़ाई यू नहीं नो होती। वी आई मीन जाहिर है कि जब कर रहे होते हैं हाँ थोड़ी इफ ही डजेंट, कंस्ट्रक्टिव आई थिंक, ही डजेंट क्रिएटिव एग्री विद थोड़ी बहुत समथिंग, आई होती डोंट है। एग्री विद समथिंग, लेकिन ये होता है कि वी डोंट माइंड नहीं करते अगर ये कुछ चीज़ क्रिटिसाइज करे, या इफ आई क्रिटिसाइज समथिंग वी हैव आवर पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड देन वी सी के हु इज बेटर हु इज राइट. आप दोनों की दोस्ती तो बहुत पक्की है, यानी दोनों एक दूसरे को मुसलसल डिफेंड कर रहे हैं, कोई जो है किसी को बुरा नहीं कह रहा, वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी नाइस एक्चुअली. कुछ कुटी हो गई है कि आप दोनों नजर नहीं आ रहे दोनों? दोनों बिजी थे अपने जी प्रोफेशंस में। अब जो है मैं अपना एक नया एल्बम कर रहा हूँ, टाइटल उसका है डर। डर, एक्चुअली अ ब्रिलियंट एल्बम. तो ये पुराने एल्बम से इस एल्बम में क्या डिफरेंस है? ये कोई नया ट्रेंड है या वही स्टाइल वही है? आई थिंक स्टाइल तो वही है, मगर आई थिंक इट्स मच्योर है, यू नो इट्स मोर मच्योर आई थिंक एंड इट्स अ सुपर्ब एल्बम, आई मीन इट्स वेरी गुड. देखिए मैंने, बिकॉज मैंने उसमें नहीं गाया, बट व्हेन आई अच्छी अच्छी लिसन टू द बातें बोलो सॉन्ग्स, जल्दी जल्दी। नहीं, बट द एल्बम इज वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड आई थिंक एल्बम. आई वर्कड वेरी हार्ड, 2 साल मैंने काम किया इस एल्बम के ऊपर एंड आई थिंक आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। शुरू में आप लोग किन कंपोजर्स के साथ काम करते थे? बड़ा आपने सुना था कि काफी नहीं टीम हुआ करती थी कोई. नहीं हम लोग ज़्यादातर, आई मीन शुरू से हमने अपने गाने कंपोज किए हैं, एंड देन फॉर अ शॉर्ट टाइम वी वर्क विद अनदर प्रोड्यूसर. लेकिन हमारा ये होता है कि हम अपने म्यूज़िक में वी वेरी आई थिंक पोजेसिव ऑफ आर म्यूज़िक, तो हर चीज़ में वी आर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं इस तरह होना है, इस तरह होना है. तो आज के तो बाद आपको अपने सारे गाने पसंद हैं बहुत ज़्यादा. नहीं, आई थिंक ये होता है कि जब आप उस वक्त काम कर रहे हैं, बाद में आप सोचते हैं कि हाँ इसको मैं ये कर सकती थी या वो कर सकती थी, बट जिस वक्त आप एक प्रोजेक्ट लेके चलें, जाहिर है कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको खुद उस चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद अच्छा लगना चाहिए. तो आप लोगों ने अपने म्यूज़िक की कोई बाकायदा ट्रेनिंग ली? नहीं नहीं. फिर तो मैं कहती हूँ वाकई अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इतने मकाम पे आप पहुँच गए हैं और आप लोगों को इस तरह यानी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी जिस तरह अक्सर लोगों को पड़ती है. इसको कहते हैं नेचुरल टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जी मॉडेस्टी. डेफिनेटली. अब ये समझ आ रही है सारी बात. आपने कराची सेंटर से एक म्यूज़िक प्रोग्राम किया था धनक के नाम से, जी तो ये कंपेयरिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आई लव्ड इट, बहुत एंजॉय किया. आप उसमें जी खुद भी गाती थी जी उसमें? बट उसके अंदर मैंने ये किया था कि इट वाज जो प्रोग्राम चल रहा था वो तो चल रहा था, बट उसका फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा बदला था, क्योंकि जो गेस्ट जिनको मैंने बुलाया था, मैं चाहती थी कि उनका कोई, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई एथलीट को बुलाया, तो मैं ये चाहती थी कि उनके और भी जो उनकी पर्सनालिटी वो भी दिखाएं. तो कुछ एथलीट से मैंने गाने गवाए, आई एम यू नो, और कुछ जैसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस थे तो उनसे कुछ और करवाया उनके. आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि, और हर प्रोग्राम में एक सोशल मैसेज था, वेदर इट वॉज एंटी वायलेंस, एंटी ड्रग्स, यू नो, प्रो एजुकेशन, इस तरह की चीज़. नहीं तो दैट्स वेरी, बल्कि हमने सुना था कि आप कुछ सोशल वर्क वगैरह भी कर रही हैं इस मामले में. नहीं हम लोगों का आई थिंक एवरी पाकिस्तानी, हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारी हमारा जो मुल्क है वो एक डेवलपिंग मुल्क है, तो यहाँ पर इतने मसाइल हैं कि अगर आप सोचें तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर हर बंदा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जी आगे हाँ, चले तो बहुत कुछ हो सकता नहीं है. दैट्स रियली ट्रू. अगर आपको आप किसी प्रोग्राम में कंपेयरिंग के लिए बुलाया जाए तो आप आएंगे? डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम. यानी उसमें भी सोशल एंगल नहीं नहीं हो. ये बात नहीं है कि जैसे कि म्यूज़िक का है, इट हैज़ टू अपील टू मी, यू नो, हर पर्सनालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं हर प्रोग्राम पे, यू नो, वन कान डू द हाँ थिंग. नहीं दैट्स ट्रू. अच्छा जहेब, गाने के अलावा आपने आपको किसी और परफॉर्मिंग साइड पे नहीं देखा, परफॉर्मेंस की तरफ नहीं देखा, और कैसी परफॉर्मेंस? जिस तरह आप देख रहे कंपेयरिंग करती थी, या कोई टीवी पे आपने कभी कुछ और प्ले करने का, या कभी इस तरह कोई सोचा नहीं क्यों? इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग वैक्टिंग में। हाँ बिजनेस हाँ साइड बिजनेस पे. में, अभी बिजनेस काफ़ी आदमी का टाइम उसके अंदर होता है, देना पड़ता है, तो उसके बाद यू नो जो टाइम जो वक्त रह जाता है उसके अंदर यू नो आई राइट म्यूजिक, दैट्स इट, बट नथिंग एल्स लाइक दैट। आई प्ले टेनिस, अच्छा. मैं बैक हैंड स्ट्रोक बहुत अच्छा है, वेरी गुड एंड बट दैट्स अबाउट इट। स्पोर्ट्स में आई एम वेरी इंटू स्पोर्ट्स एंड दैट्स अबाउट इट, बट एक्टिंग वैक्टिंग नो। आई एम श्योर ऑफिस तो आई होंगी. हाँ ऑफिस आती है आई थिंक, इनफैक्ट आई एम गुड एट एक्टिंग, अच्छा यू आई कैन डू माई ड्रामेटिक रोल, आई कैन शो यू आई कैन सी दैट राइट राइट नाउ. नाउ।
No, but I'm not really into acting. I think singing is where it stops. Nazreen.